शेर का चेहरा सौम्य हो, शेर का चेहरा हिंसक हो, और पहली बात बदलने का अधिकार आपको किसने दिया? जब अशोक स्तंभ आपने तो उसको नहीं बनाया, वो तो सम्राट अशोक की देन है ना, कि सारनाथ में अशोक स्तंभ उन्होंने लगाया, तो आपको बदलने का अधिकार, आप हर चीज में बदलने की बात करते हैं, अरे इतना ही बदलने का शौक है तो अनुदेशक के पद को बदल के स्थायी कर दीजिए ना, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जय जयकार करेगा आपको, और जितना पैसा उस अशोक स्तंभ को लगाने में खर्च हुआ है उतना पैसा यदि आप उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को दे देते तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आपका जय जयकार करता, लेकिन आपको फुर्सत कहां है? अनुदेशकों की समस्या को आपको सुनने की जरूरत कहां पड़ती है? आप तो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, अरे कभी अनुदेशकों के मन की बात भी सुना करिए मोदी जी, लेकिन आप तो सरकारी बार कहा है, इस देश में सरकार नाम की चीज नहीं है, सरकार तो लोक कल्याण के लिए होता है, नाम रख देने से, प्रधानमंत्री आवास का नाम लोक कल्याण रख देने से जनता की समस्या का समाधान नहीं होता, यदि नाम रख देने से समस्या का समाधान होता तो उत्तर प्रदेश का निदेशक पिछले 10 वर्षों से, और 8 वर्ष तो आपकी सरकार है, 14 से लेकर आज 22 हो गए, 8 साल से तो आपकी सरकार है केंद्र में, और जो हमारी योजना है समग्र शिक्षा अभियान सर, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के दोनों के हिस्से से चलती है, भारत सरकार 60% राशि देती है, उत्तर प्रदेश सरकार 40% राशि देती है, अरे आप बढ़ाओ ना बजट, आप कहो ना कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को इतना पैसा दीजिए ना योगी जी, कौन मना कर रहा है, लेकिन आपको तो सर उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की, और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आपसे मांग क्या रहा है, अरे ट्रांसफर मांग रहा है, इसलिए मांग रहा है इस महंगाई के दौर में वो 110 से 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लगभग हमें हमारी बात किए लगभग 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कहीं कोई आदेश की कॉपी नहीं आई है, तो जब आदेश की कॉपी निकालने में आप लोग को इतनी समस्या हो रही है, और उत्तर प्रदेश की महिला क्या मांग रही है आपसे, आप तो हरियाणा के पानीपत में जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो, विद्यालय में मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाते हो, तो इन महिला अनुदेशकों की समस्या को सुनकर उनको जहां उनकी शादी होती है उस ससुराल में भेजने में आपको समस्या क्या है, आपको तो उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है ना, पैसा जहां लगे वहां भी समस्या, कहते हो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हम आपके चैनल से उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के जो ट्रांसफर के मुद्दे हैं उस ट्रांसफर करने में आपको कौन सा पैसा लग रहा है, 100 बच्चों की समस्या को समाप्त करने में कौन सा समस्या आ रहा है, हमारे ऑटो रिन्यूअल करने में आपको कौन सी समस्या आ रही है, लेकिन आप तो हमारी समस्या को सुनना चाहते ही नहीं हो, आपको तो लगता है यदि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की समस्या को हमने समाधान कर दिया तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे हम भी आपके साथ फिर हम 2024 में आपका जयकार करने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को नियमित करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की सभी समस्या का समाधान करना पड़ेगा, और जब नियम खुद आप बनाते हो, आपने न्यूनतम मानदेय वेतन 24,000 खुद किया हो, और जब खुद करते हो उसके बाद भी आपको देने में समस्या आती है तो आप नियम बनाते क्यों हो, आप जब नियम बनाते हो तो उस नियम का पालन कौन करेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये दूसरे से आप पालन करवाने की बात करोगे लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करोगे तो सर उत्तर प्रदेश का अनुदेशक इतना परेशान है, इतना इसका शोषण हो रहा है, इतना इसका अत्याचार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक पूरी तरह से परेशान होकर इस सरकार से बार बार निवेदन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर नई शिक्षा नीति में जो आया है उसके अनुसार हमको नियमित करो, और नियमित करने में आपको समस्या कहाँ आ रही है, जब भारत की सरकार ने नई शिक्षा नीति में 2020 में हमको स्थायी करने की बात कही, हमारे सभी विषयों को मुख्य विषय बनाने की बात कही, तो आपको समस्या कहाँ आ रही है, लेकिन आपको तो अनुदेशकों का उत्तर प्रदेश के के खून में इतनी मिठास है कि भारत सरकार भी पीती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी पीती है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक भी पीता है, विद्यालय का सहायक अध्यापक भी पीता है, इसलिए मोदी जी उस अशोक स्तंभ की लड़ाई से बाहर निकलिए और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की समस्या का समाधान करिए, हम 2024 में आपका जय जयकार करने को तैयार हैं, लेकिन उसके पहले आपको हमको नियमित करना पड़ेगा, यदि आप नियमित नहीं करेंगे फिर हम कैसे आपका जय जयकार करेंगे, कैसे आप हैट्रिक बनाएंगे, यदि आपको हैट्रिक बनाना है तो उत्तर प्रदेश के
अनुदेशक को उसी के पद पे हमारे विद्यालय में हमको नियमित करिए, हमारी सारी समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा। जी सर।